तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ, दी हुई ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा सम षटभुज बनाओ। किस विधि से बोला है? विधि दी हुई विशेष विधि द्वारा। विशेष विधि और तरह की होती है, हमने पीछे किया था साधारण विधि यानी कि साधारण रीति, वो एक ही बात है, चाहे विधि बोलो चाहे रीति बोलो, ठीक है। साधारण विधि हमने पीछे किया था, ये विशेष विधि है। में दिया हुआ है ए बी रेखा दी हुई है हमारे पास, सबसे पहले हम दी हुई चीज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास ए बी रेखा है, ये दी हुई है, ठीक है। इसी के बराबर ए बी रेखा हम इसी के ऊपर ले लेते हैं, जो दी हुई है इसका नाम छोटी ए बी है, जो दी हुई होती है इसी के बराबर हमने यहाँ पे ले ली ना, यहाँ से हम जो है काम करना शुरू कर देंगे। ये हम जो है काम करने के लिए ले लेते हैं इसी के बराबर ऊपर, यानी कि ये दी हुई है, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए पर कंपास रखते हैं और बी तक खोलते हैं, और यहाँ से जो हम सेंटर पे सेंटर तक इस तरह से चाप लगाना, डॉटी चाप लगाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे डॉट सेंटर से भी आगे ले जाते हैं हम, ठीक है। छोटे छोटे डॉट करते जाएंगे हम, छोटे छोटे डॉट इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी हम वैसा ही करेंगे, यहाँ से इसी तरह से छोटे छोटे डॉट लगाते जाएंगे इसी तरह से, ये अपने आप कट जाएंगे बीच में, और आगे हम बढ़ाएंगे इसी तरह से, ये बढ़ता गया आगे 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 इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ को हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कट नहीं लगा है, तो हम फिर से एक बार इसको क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, ये कट लग गया बीच में, सेंटर पे पॉइंट साफ दिखना चाहिए। अब इसका नाम हम ओ रखेंगे, इस पॉइंट का नाम, ये ओ आ गया, और यहाँ पे हम कंपास रखेंगे ओ पे, जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमने कंपास रखी। अब क्या करेंगे, हम ए तक खोलेंगे, पहले से हमारी बराबर है ना, तो हम ए पर रखेंगे, और यहाँ से जो है डॉट लगाना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे डॉट इस तरह से, एक सर्कल में डॉट लगाना शुरू कर देंगे। ये हमारा डॉट वाला सर्कल तैयार हो रहा है, यहाँ से हम जो है षटभुज बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास सर्कल तैयार है। हमने यहाँ से यहाँ तक खोली थी कंपास, एक एक कट लग गए थे दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से एक एक कट हम ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे एक बार में, ठीक है। अब दूसरी बात है, हमें साफ कट दिखने चाहिए तभी हमारा आंसर माना जाएगा, ये कट बिल्कुल साफ दिखने चाहिए ऐसे कटे हुए, ठीक है, बाकी साफ है, ये दो थोड़े से नहीं कटे थे। अब ए बी, और इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, ये हो गया एफ। अब क्या करेंगे, हम हमारी लगभग षटभुज जो है तैयार हो गई है, ये देखो बी सी, और बी सी से बी डी, क्योंकि आंसर हमें थोड़ा डार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो दबा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी लाइनें हमारी आंसर हैं, इसलिए हमें थोड़ा डार्क करना है इसको, इसलिए ये हमारी डार्क होगी, क्योंकि ये हमारा आंसर है, बराबर होगी ये सारी लाइनें एक के बराबर, ये देखो आप देख सकते हैं षटभुज तैयार हैं,
ये भी डार्क है, ये भी उसी के बराबर, ये भी उसके बराबर, ये उसके बराबर, उसी के बराबर, उसी के बराबर, एक बार में ही लगानी है। ये इस तरह से हमारा शट